मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का चौथा महीना है। काबिज भारतीय फौज की जारियत मजाले में कमी न आई, कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई, दुकानें कारोबार बंद, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का चौथा महीना जारी है। वादी भर में तमाम मवासलाती रबते, इंटरनेट सर्विस और दीगर तिब्बी सहूलियात मुअत्तल हैं। बीमार अफराद को दवा और डॉक्टर्स मैसर नहीं, जिससे हस्पतालों में ज़ेरे इलाज बाज़ मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाक हैं। तालीमी इदारे भी ना खुल सके, कश्मीरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पाँच अगस्त को लगाई गई पाबंदियों के बायस इंटरनेट की बंदिश से मकबूजा वादी का दुनिया भर से रब्ता मुनकता है। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी 15 करोड़ के लगभग नुकसान हो चुका है। कश्मीरी रहनुमाओं, नौजवानों समेत बच्चे भी जेलों में कैद हैं। मसाजिद में नमाज अदा करने पर भी पाबंदी है। दूसरी जानब भारतीय मजालिम के खिलाफ पाबंदियों की परवाह ना करते हुए बहादुर कश्मीरियों का श्रीनगर समेत कई इलाकों में कश्मीरियों का एहतजाज भी जारी है। भारतीय इकदाम के खिलाफ आर्मी सतह पर खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को ज़बरदस्ती भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया था। 1 नवंबर से भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने और रिहाइश का हक भी दे दिया गया, जिससे हालात मजीद संगीन हो चुके हैं।